बैक टू योर चैनल गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडियाज मोस्ट लव्ड कार सेंट्रो थर्ड जनरेशन। ये 1.1 लीटर इंजन के साथ आती है। ये मैग्ना का मैनुअल ट्रांसमिशन मॉड्यूल है। बात कर लेते हैं फ्रंट की। सबसे पहले वही कंपनी का स्टैंडर्ड लोगो मिल जाता है हुंडई का। अगर बम्पर की बात करते हैं, ड्यूअल टोन में इसके अंदर बम्पर रखा गया हमारा। और बम्पर के अगर आप देखेंगे यहाँ पे ग्रिल पे क्रोम की फिनिशिंग दे रखी है, जो कि इसके लुक को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है। अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं हेडलाइट की, कंपनी स्टैंडर्ड हैलोजन प्रोवाइड करती है इसके अंदर। यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स दे रखे हैं। और अगर आप इसके टॉप वेरिएंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर इसके फॉग लाइट्स मिल जाएगी। अगर हम यहीं पे साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं गाड़ी की, तो साइड प्रोफाइल पर कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से काम करा है। आज जैसे आप देख सकते हैं i10 i20 के बेस पर ही इन्होंने इसकी साइड प्रोफाइल को बहुत इम्प्रूव करा है। जैसा आप देख सकते हैं ये वाला डिज़ाइन बहुत स्टनिंग लग रहा है। यहाँ पर ये थोड़ा बूमरैंग को रिजेंबल करता है। बाकी आपका इंडिकेटर आपको वही ट्रेडिशनल जगह पे मिल जाता है। अगर हम टायर की बात कर लेते हैं, टायर का साइज़ है 155x80 R13। 13 इंच के अंदर आपको इसका रेडियस देखने के लिए मिलेगा टायर के रिम्स का। बाकी अगर हम साइड पे बात कर लेते हैं, साइड प्रोफाइल से गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। पहली सेंट्रो से बिल्कुल डिफरेंट है। जो सेंट्रो सेकेंड जनरेशन आती थी सेंट्रो जिंग, बाकी फर्स्ट जनरेशन की थी सेंट्रो जिप ड्राइव। अब भाई अगर हम बैक्स की बात कर लेते हैं, तो बैक पे भी गाड़ी पहले से बहुत ज़्यादा स्टनिंग लगती है। बैक में आपको वही सेंट्रो की बैजिंग मिल जाएगी, हुंडई का बैज मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ऐसे इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट बैक कैमरा भी लगवा रखा है, रिवर्स कैमरा। बाकी फ्रंट का बैक का बम्पर भी आप ये देख सकते हैं ड्यूअल टोन में दे रखा है। ये आपका स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर्स के अंदर मिल जाते हैं। बाकी वहीं पर इसके हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। कंपनी यहाँ पे आपको 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देती है। बाकी सही मैं कहूँ तो गाइस, साइड से लुक से मेरे को बहुत सही लग रही है गाड़ी। पहले से बहुत इम्प्रूव भी कर दी गई है, स्टेबिलिटी हो चाहे इंजन की पावर हो चाहे कुछ भी हो। बाकी आपको ये स्टैंडर्ड हेड डोर हैंडल्स दे जाते हैं। अगर हम पीछे की बात कर ले तो स्पेस पहले से तो इम्प्रूव है सेंट्रो के अंदर इसके। जैसे कि आप देख सकते हैं सीट हमने ऑल द वे बैक कर रखी है, उसके बाद भी लेग रूम में इतनी कमी महसूस नहीं हो रही है। बाकी गाड़ी अंदर से भी प्रीमियम फील होती है, ऐसी बात नहीं है, लगता नहीं है कि हम हैचबैक के अंदर बैठे हैं। आई थिंक पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है। यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं पकड़ने के लिए, वही नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइट मिल जाती है ट्रेडिशनल वाली। आपको इंटीरियर गाड़ी का ड्यूल टोन में कर रखा है बेज और ब्लैक कलर के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं। रियर पैसेंजर्स को भी सीट बेल्ट प्रोवाइड कर रखी है दोनों साइड में। तो इंटीरियर वाइज गाड़ी को बैक से तो देखा जाए तो अच्छी कर रखी है पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मैं आपको चलिए इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ। चले गए तो इसके बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। कंपनी आपको इसके अंदर प्रोवाइड करती है 235 लीटर का बूट स्पेस, जो कि हैचबैक के लिए इनफ साइज आई थिंक। चलिए अब इसी के इंजन की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको शायद पहले बताया होगा, कंपनी इसके अंदर प्रोवाइड करती है 1.1 लीटर का इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 68.07 bhp और जो टॉर्क देता है 99.07 अराउंड 100। तो इसके इंजन बे को ओपन कर लेते हैं। तो ये गाड़ी का इंजन बे देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन तरीके से इंजन प्लेस है। वही कंपनी आपको ऑफर करती है एक्साइड की बैटरी और इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करी जाती है बोनेट के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए अब गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर ज़्यादा कुछ खास ऑफर नहीं करती है कंपनी। यही नॉर्मल आपका बैक साइड रियर व्यू मिरर, आपका ये आफ्टर मार्केट सिस्टम म्यूजिक सिस्टम लगवाया हुआ है इसका। बाकी बात करें एसी वेंट्स की, जैसे कि आप देख सकते हैं ये डिसेंबल करती है मर्सिडीज़ के लोगों को। अगर मैं सही नहीं हूँ तो गाइस कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसके बात कर लेते हैं पावर विंडो की। कंपनी इसके अंदर पावर विंडो प्रोवाइड करती है, बट डिफरेंट चीज़ ये है कंपनी इसकी पावर विंडोज यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्रोवाइड नहीं करती, सेंटर कंसोल में प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ से फ्रंट और रियर की ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं हुंडई ये भी प्रोवाइड करती है छोटा सा डस्टबिन गाड़ी के लिए, क्लीन इंडिया। बाकी आपको गाड़ी में ज़्यादा कुछ खास ऑफर नहीं होता है, बेसिक गाड़ी है, हैचबैक है, एक अच्छे बजट के अंदर आती है। ये आपका 12 वोल्ट का सॉकेट है।
आपके एसी के जो वेंट्स है थोड़े क्रेटा की तरह रिजेंबल करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो क्रेटा की पुराने वाली जनरेशन थी। बाकी इसके अंदर ये एसी के कंट्रोल्स है, बात कर सकते हैं इसकी एमआईडी वगैरह की। एमआईडी पे ऐसे कुछ खास डिटेल्स तो प्रोवाइड नहीं कर रखी है आपका। बाकी स्टेयरिंग की बात कर लेते हैं, बेसिक स्टेयरिंग है नॉर्मल, जैसा आपको ध्यान होगा बाकी गाड़ियों पर, आपको याद होगा आई20 आई10 वगैरह की गाड़ियों पर जहाँ पे आपको क्रोम बेजिंग के साथ उसका स्टेयरिंग मिलता है। बाकी बात कर लेते हैं गाड़ी की, इसकी आपको इसमें ट्रेडिशनल मिल जाते हैं, आपका आरपीएम मीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया। चलिए बाकी एक गाड़ी की छोटी सी टेस्ट ड्राइव लेकर आते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। चलिए गाइस, इसकी अब गाड़ी की राइड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। गाड़ी पिकअप तो अच्छा उठा रही है, बाकी थोड़े कुछ लैग महसूस हो रहा है मेरे को इंजन के अंदर इसके। हालांकि इंजन रिफाइन है, गाड़ी का एसी भी अच्छा काम कर रहा है। बाकी हम बात कर लेते हैं इसकी एमआईडी की। एमआईडी पे कंपनी ने स्पोर्टी लुक रखने की थोड़ी कोशिश करी गई है इसके अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, बट पुरानी वाली जनरेशन से तो बहुत बेहतर कर दी गई है गाड़ी, चाहे आप जिप ड्राइव से कंपेयर करें चाहे जिंग से कंपेयर करें। हाँ, जिम के कंपैरिजन में और पुराने वाली जिप ड्राइव के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो इसकी हाइट थोड़ी कम कर दी गई है, बट उस हाइट से आई थिंक इसकी एरोडायनेमिक्स पे फर्क पड़ा होगा, एरोडायनेमिक्स भी अच्छे हुए होंगे। कंपनी इसके अंदर एसी प्रोवाइड करती है, एसी फोर श्योर की बात है, एसी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे कि आज बहुत गर्मी है, टेम्परेचर 41 डिग्री का सेल्सियस का यहाँ पर, तो उसमें एसी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमें गाड़ी को चलाए हुए ज़्यादा देर भी नहीं हुआ है, एसी इसमें बढ़िया काम कर रहा है। बाकी साइड में उसमें कंपनी आपको इस मॉडल के अंदर तो आरबीएम प्रोवाइड नहीं करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको मैन्युअली ही शीशे यहाँ पे एडजस्ट करने पड़ेंगे साइड मिरर्स। बाकी गाड़ी के सोको सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, आपको हैचबैक के अकॉर्डिंग तो सोको सस्पेंशन अच्छा है इसका, बट अगर हम मारुति की स्विफ्ट वगैरह से कंपेयर करेंगे तो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। बट यहाँ पे एक प्राइस ब्रैकेट भी बहुत बड़ी मैटर करता है, उनका प्राइस ब्रैकेट अपर है इसके प्राइस ब्रैकेट से। जैसे कि कंपनी इसके अंदर क्लेम करती है 20 का एवरेज, बट मेरी इसके ओनर से बात हुई थी, वो बता रहे थे सिटी के अंदर ये गाड़ी 13-1400 ऊपर का माइलेज नहीं दे पाती, और भाई बात करें हम हाईवे की, हाईवे पर गाड़ी खींच तान के 16 का एवरेज दे देती है। बाकी जैसे आप देख सकते हैं गाड़ी पिकअप अच्छा उठा रही है, आरपीएम भी बहुत स्टेबल है गाड़ी के, इंजन रिफाइंड है, स्टेबिलिटी भी है गाड़ी के अंदर। बात कर लेते हैं थोड़ी ब्रेकिंग की, जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्राइस ब्रैकेट में मुझे नहीं लगता कोई इतने अच्छे ब्रेक ऑफर करता है हुंडई की सेंट्रो के अलावा। बाकी रही बात कटिंग की, जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी थोड़ी बहुत स्टेबल है ये। चलिए गाइस, इसे थोड़े से खराब रास्ते की तरफ लेकर चलते हैं इसके शॉकर सस्पेंशन को अच्छे से टेस्ट करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं अपन इतने बड़े हम पे भी गाड़ी आराम से उतर गई, मुझे नहीं लगता इस ब्रैकेट के अंदर कोई इतना अच्छा सुपर सस्पेंशन दे रहा है। गाड़ी के अंदर स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी है, स्टेबल फील हो रही है। ये देखिए ये सामने गड्ढा आएगा बिल्कुल नहीं पता लगा। ये देखिए आप सीट ब्रेकर पे मेरे चीज कितना आराम से उतर गए, सीरियसली गाइस बहुत सही इसका वो दिया है भाई। पर राइड क्वालिटी ने उन्होंने बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव करी है प्रीवियस जनरेशन की सेंट्रो से। तो बाकी चलिए गाइस यहाँ से थोड़ा रिवर्स ले लेते हैं, जैसा आप देख सकते हैं गाड़ी की डायमीटर कटिंग भी बहुत अच्छी है इसके अंदर। देखिए
देख सकते हैं आपने इतनी टाइट स्पेस में कितने आराम से मूव गई गाड़ी, व्हील कटिंग बहुत अच्छी है गाड़ी की। कब भी ला जाओ आप, ये देखिए गाइस। बाकी वही बात कर लेते हैं हॉर्न की। कंपनी मेरे को नहीं पता हॉर्न में इतनी कॉस्ट कटिंग क्यों करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका हॉर्न बहुत ही लो क्वालिटी का है। सही बताऊं होंडा की जो स्कूटी आती है एक्टिवा, उसका हॉर्न इससे अच्छा है। ये सुन सकते हैं आप। बाकी गाड़ी का एसी तो टॉप नॉच काम कर रहा है। ये देख सकते हैं गाइस कितने खराब रास्तों पे भी इतनी अच्छी परफॉर्म कर रही है गाड़ी। मुझे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं थी इस गाड़ी से। सेंट्रो की तो सेकंड जनरेशन थी, मैंने अराउंड 1.5 साल चलाई थी वो गाड़ी पर्सनली। डेली का अप डाउन था मेरा अराउंड 60-70 किलोमीटर। बट कंपेयर करो उस गाड़ी में और इस गाड़ी में ह्यूज डिफरेंस है। कोई कह नहीं सकता सेम गाड़ी की जनरेशन है दोनों। कंपनी ने बहुत इम्प्रूवमेंट्स करी है जैसे कि आप देख सकते।